हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है पंप। हमने पिछला वीडियो जो देखा था वो फ्लूइड मैकेनिक्स था, उसका ये सेकंड पार्ट है पंप। क्योंकि पंप इसलिए वीडियो लानी पड़ गई क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन वो पंप रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज का टॉपिक जो है वो पंप है। तो पंप का वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के बारे में बात करना चाहेंगे कि उसमें कौन कौन से कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। तो तीन कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मैच टाई कर रखा है। टाई करने का मतलब क्या है, तीनों ने सेम क्वेश्चन और सेम टाइम में जवाब दिया है। तो उनके नाम ये रहे उनके फिगर आपके सामने। पहले कैंडिडेट जो हैं वो हैं सुमेश पाल सिंह, जो गवर्नमेंट पॉलिटिंग बदायूं के स्टूडेंट हैं। और दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो है कुलदीप वर्मा, जो IOCL के एम्प्लॉय हैं। और तीसरे कैंडिडेट जो हैं उनकी फिगर किसी कारणवश नहीं मिल पाई, मेहुल पटेल, जिनका फिगर नहीं मिल पाया लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पंप में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, और आप सही सही एक्यूरेसी के साथ जवाब दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाई वी यूज पंप इन इंडस्ट्री। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियों में पंप क्यों यूज किया जाता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए स्टोरेज ऑफ लिक्विड, नंबर बी फॉर कंप्रेस ऑफ लिक्विड, नंबर सी मूव लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है आप जो आपको बिल्कुल जानना ही जानना चाहिए। तो आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, मूव लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। पंप का काम यही होता है कि किसी भी लिक्विड या स्लरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज इन केमिकल इंडस्ट्री आर। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो यूज होती है वो किस टाइप की होती है उसे बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए स्टीम और गैस टरबाइन ड्राइवन, नंबर बी डीजल इंजन ड्राइवन, नंबर सी इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन, और नंबर डी गैसोलीन इंजन ड्राइवन। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालते रहिए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो आपके टाइम ख़त्म होते हैं अब। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन। आपने अगर इंडस्ट्री विजिट किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होंगे उसमें मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा चलाई जाती है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट की जाती है उसकी डिलीवरी वाल्व क्या होती है, क्या करते हैं उसके साथ। तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए ओपन रहती है, नंबर बी क्लोज, नंबर सी सेमी ओपन, नंबर डी डिपेंड ऑन कंडीशन। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होने से पहले डिलीवरी वाल्व को क्या करते हैं। तो आपके टाइम ख़त्म होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्लोज। हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करने से पहले उसकी डिलीवरी वाल्व को क्लोज किया जाता है ताकि उससे पहले उसकी प्राइमिंग की जा सके। एक रीज़न और है कि अगर हम डिलीवरी वाल्व ओपन रखेंगे तो जब हम पंप में जो कुछ पानी रहेगा या वाल्व में जो कुछ पानी रहेगा वो उससे टकराने से इंपेलर खराब होने का खतरा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन। व्हिच पंप यूज फॉर हाई फ्लो रेट। हाई फ्लो रेट पंप, हाई फ्लो रेट के लिए कौन सा पंप हम यूज करते हैं। तो आपके ऑप्शन है ये सामने, नंबर ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, नंबर बी गियर पंप, नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, और नंबर डी नन ऑफ दीज। आप जल्दी से जल्दी बताइए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है पंप के, और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा हाई फ्लो रेट मेजर किया जाता है या हाई फ्लो रेट के साथ पंप की जाती है, और जब हम रेसिप्रोकेटिंग की बात करेंगे तो उसमें हाई प्रेशर के साथ की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर पाँचवा। गियर पंप इज ए, गियर पंप क्या है, एक किस टाइप का पंप है। तो आपके ऑप्शन है ये सामने, नंबर ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नंबर बी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप, नंबर डी एयर लिफ्ट टाइप पंप। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालते रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इसकी रोटर होती है, जो घूमने वाला पार्ट होता है, व्हील होता है, वो हमेशा मूव करती रहती है, इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप का यह है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन। हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन द
सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड डेवलप होती है मतलब हाइट तक पहुंचाती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो आपके ऑप्शन है ये सामने, नंबर ए इम्पेलर डायमीटर, नंबर बी इम्पेलर स्पीड, नंबर सी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड लीविंग द इम्पेलर, और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अब आप जल्दी से जल्दी बताएं कि हेड डेवलप करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिए। तो आपके समय समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी। अगर जो हम इम्पेलर का डायमीटर बढ़ाएंगे तो भी उससे हमारी हेड डेवलप होगी क्योंकि ज़्यादा वो पंप करेगा, और स्पीड अगर हम इम्पेलर की बढ़ा देंगे तो ज़्यादा तेज रोटेट करेगी तो ज़्यादा तेज पंप होंगे, और वेलोसिटी बढ़ने से अपने आप वो पंप होते रहेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी सही होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ डैम्पनर इन रेसिप्रोकेटिंग पंप? डैम्पनर का यूज रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, इंक्रीज प्रेशर ऑफ फ्लो, नंबर बी रिड्यूस वेरिएशन इन फ्लो, नंबर सी इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, नंबर डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए, जिससे हो सकता है अगली बार आप फिगर फोटो आपकी आए, तो जल्दी जल्दी बताइए। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी रिड्यूस वेरिएशन इन फ्लो। क्या होता है डैम्पनर? एक गोले टाइप का सर्कुलर टाइप का होता है जो लगाया जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ये जो जब हमारी पिस्टन आगे पीछे मूव करती है तो जो हमारी फ्लो होती है लिक्विड की उसमें वेरिएशन आ जाते हैं, वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए हम डैम्पनर का यूज रेसिप्रोकेटिंग पंप में करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आठवा क्वेश्चन। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड अपॉन द डैश हेड। स्पेसिफिक स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप की किस पर डिपेंड करती है? तो नंबर एक सक्शन हेड, नंबर बी मैनोमेट्रिक हेड, नंबर सी डिलीवरी हेड, और नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब, आप जल्दी से जल्दी बताइए स्पेसिफिक स्पीड किस पे डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जल्दी जल्दी डालते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनमें सही आंसर दिया नहीं है इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, इनमें से तीनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करती स्पेसिफिक स्पीड। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डैश, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑपरेट विद क्लोज डिस्चार्ज वाल्व फॉर लॉन्ग टाइम, नंबर बी रन वेरी हाई स्पीड, नंबर सी यूजुअली सेल्फ प्राइमिंग, और नंबर डी डन विद प्राइमिंग। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब, आपको बताना है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होते हैं। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो आपका टाइम खत्म होता है अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यूजुअली सेल्फ प्राइमिंग। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कभी प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सेल्फ प्राइमिंग होते हैं हमेशा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करने की ज़रूरत होती है और रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप बियरिंग ल्यूब्रिकेशन डन विथ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ल्यूब्रिकेशन के लिए क्या यूज की जाती है बियरिंग में? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए ऑयल, नंबर बी ग्रीस, नंबर सी पेट्रोल, और नंबर डी ए एंड बी दो बोथ। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब, आप जल्दी से जल्दी बताएं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बेयरिंग में कौन सा ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो आपके टाइम खत्म होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ए एंड बी। इसमें क्या होती है ऑयल एंड ग्रीस दोनों का यूज हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंपिंग ऑफ मोल्टन सोप बाय व्हिच पंप, जो मोल्टन सोप होती है उसको पंप करने के लिए कौन सा पंप हम यूज करते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर सी गियर पंप, और नंबर डी एनी अदर पंप, इनमें से कोई और। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब, आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके आंसर एक्यूरेसी बनी रहे, जल्दी से जल्दी डालिए, टाइम स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, इसका सही आंसर है सी गियर पंप। गियर पंप का यूज यहाँ इसलिए की जाती है क्योंकि जो मोल्टन सोप होती है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ पंप करने के लिए हम गियर पंप का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बारहवां क्वेश्चन। इन सिंगल स्टेट सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज डैश नंबर ऑफ इम्पेलर, सिंगल स्टेट सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलरों की संख्या कितनी होती है? ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर एक दो, नंबर दो वन, नंबर सी थ्री, और नंबर डी मेनी। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं अब, आप जल्दी से जल्दी बताइए कितने इम्पेलर होते हैं सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में,
और आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका टाइम खत्म होता अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वन, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा एक इंपेलर का यूज होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूज ऑफ पंपिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल, जो हमारी ऑयल वेल होती है उसमें से क्रूड ऑयल पंप करने के लिए किस टाइप के पंप का यूज किया जाता है? तो ये रहे आपके आपके ऑप्शन। नंबर ए सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, नंबर बी गियर पंप, नंबर सी स्क्रू पंप, और नंबर डी ड्यूप्लेक्स या ट्रिपल एक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रूड ऑयल पंप करने के लिए कौन सा पंप यूज किया जाता है? तो आप जल्दी, आपका टाइम खत्म होता अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, डबल एक्स या ट्रिपल एक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप। मतलब इसे बोल सकते हैं हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयल वेल से जो पंप किया जाता है क्रूड ऑयल, उसके लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए आप मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चेक वाल्व इन द डिस्चार्ज लाइन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो डिस्चार्ज लाइन में जो होता है वो चेक वाल्व क्यों यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? तो ये रहे आपके ऑप्शन। कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूड, नंबर बी कंट्रोल डिस्चार्ज प्रेशर, नंबर सी प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फ्लूड, नंबर डी कंट्रोल डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो आपके टाइम स्टार्ट हो गए हैं, अब आप जल्दी से जल्दी बताइए कि चेक वाल्व क्यों यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिस्चार्ज में। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फ्लूड। क्या होता है कि जब एक बार लिक्विड फ्लो हो गई, मतलब पंप हो गई डिलीवरी वाल्व से, तो क्या होता है अगर ये ना लगी रहेगी तो जो पंप बंद होने के बाद जो लिक्विड पंप हो चुकी है वो भी वापस आने का खतरा रहता है, जिससे हमारी इंपेलर टूटने या किसी टाइप से खतरा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमेशा चेक वाल्व की जगह पे हम नॉन रिटर्निंग वाल्व भी लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्पज ऑफ रिलीफ वॉल्व इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू, और ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। रिड्यूस द डिस्चार्ज प्रेशर, नंबर बी कंट्रोल द रेट ऑफ डिस्चार्ज, नंबर सी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेसिव प्रेशर, और नंबर डी फैसिलिटेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फ्लूड। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको जल्दी से जल्दी बताना है रिलीफ वाल्व रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यों यूज किया जाता है। तो आपके इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में डेवलप हो जाता है उससे बचाने के लिए हमेशा ये वाल्व यूज किया जाता है, रिलीफ वाल्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल में किसके कारण होता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए हाई सक्शन प्रेशर, नंबर बी लो सक्शन प्रेशर, नंबर सी लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, और नंबर डी हाई फ्लूड वेलोसिटी एट सक्शन। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप इसका जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लो सक्शन प्रेशर। क्या होता है कि अगर हम सक्शन पाइप का प्रेशर हमेशा लिक्विड के वेपर प्रेशर से अगर कम कर दें तो जो लिक्विड्स होती हैं उनकी बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी इंपेलर पे कोरोजन होते हैं या उसे टकराती है, जिससे हमारा लिक्विड सही तरीके से पंप नहीं हो पाता। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 17वां क्वेश्चन। इज सेंट्रीफ्यूगल पंप नीड द रिलीफ वाल्व, सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिलीफ वाल्व यूज करते हैं या नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं, ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए यस, नंबर बी नो, नंबर सी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम शुरू होते हैं अब। आपको बताना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं रिलीफ वाल्व या नहीं। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बी, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिलीफ वाल्व का यूज नहीं करते हैं, बल्कि रिलीफ वाल्व का यूज हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच प्रेशर क्रिएट एट द आई ऑफ इम्पेलर इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के आई पे कौन सा प्रेशर जनरेट होता है? तो अब आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। निगेटिव प्रेशर, नंबर बी एटमोस्फेरिक प्रेशर, नंबर सी पॉजिटिव प्रेशर, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के आई पे कौन सा प्रेशर जनरेट होता है। तो आपके टाइम खत्म होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निगेटिव प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल की आई पे हमेशा वैक्यूम क्रिएट होता है,
जिसके कारण हम उसे निगेटिव प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसएच, एनपीएसएच का फुल फॉर्म आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नेट पॉजिटिव सोल्यूशन हेड, नंबर बी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नंबर सी न्यू पंप सक्शन हेड, और नंबर डी जो है वो है नेट पावर सक्शन हेड। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि एनपीएसएच का क्या फुल फॉर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपके ऑप्शन बी सही होंगे, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसकी सहायता से हम पता लगाते हैं कि किसी पंप द्वारा कितनी हाइट पे हम लिक्विड को पंप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव मैक्सिमम इफिशियंसी इफ इम्पेलर ब्लेड डैश डैश। सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम इफिशियंसी देता है यदि इम्पेलर के ब्लेड्स किस टाइप के हों। तो ये आपके ऑप्शन रहे हैं, पहला बेंट फॉरवर्ड, नंबर बी बेंट बैकवर्ड, नंबर सी स्ट्रेट, नंबर डी डिपेंड ऑफ कंडीशन। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताएं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ब्लेड्स किस टाइप का यूज किया जाए कि वो मैक्सिमम इफिशियंसी दे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बैकवर्ड टाइप से अगर हम यूज करें तो जिससे हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड पंप करने के लिए। तो ये रहे आज के 20 टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में पंप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आज के ये रहे। अब हम अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसके लिए आप तैयार रहें और मेरी वीडियो देखते रहें लेक्चर, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।